सब जानते हैं कि इस धरती पे जहां हम आज एकत्रित हुए हैं, ये वीरों की धरती कहलाती है। यहां के वीरों ने अपनी जान की परवाह ना किए बिना आजादी की लड़ाई हो, 1962 के हिंदुस्तान चीन का युद्ध हो, 1965 का पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, या कारगिल का युद्ध हो, या आज के दिन बॉर्डर पे तैनात हमारे देश की सुरक्षा कर रहे, इन्होंने कभी अपनी ड्यूटी चूकी नहीं। इसीलिए हम सभी इन लोगों को शत शत नमन करते हैं। '57 में पूरे देश में आजादी की लड़ाई शुरू हो गई। इसमें अहिरवाल भी पीछे नहीं था। राव तुलाराम जी के नेतृत्व में आजादी के मतवालों ने अंग्रेजों से युद्ध छेड़ दी। ये नसीबपुर का युद्ध कहलाता है। यहां पे 5,000 से ज्यादा वीरों ने अपनी जान दे दी। आज भी कहते हैं कि नसीबपुर की धरती उनके खून की वजह से लाल है। ये लड़ाई को अंग्रेजों ने भी सबसे बड़ी टक्कर की और सबसे बहादुरी की लड़ाई जताया है। इसमें मरते मरते ये हमारे हिंदुस्तानी आजादी के वीरों ने कर्नल जिराड को, कैप्टन वॉलेस को खत्म कर दिया। और ये पहला और आखिरी ऐसा युद्ध था जहां अंग्रेजों के कमांडिंग ऑफिसर को मार गिराया था। नसीबपुर के बाद राव तुलाराम जी ने रानी झांसी और तात्या तोपे का हाथ पकड़ा था। जब लगने लगा कि हमारी आजादी की लड़ाई के लिए हमें बाहरी मदद की जरूरत है, तो राव तुलाराम जी को रूस के जार के पास भेजा गया मदद के लिए। आज भी रूसी सरकार राव तुलाराम जी को हिंदुस्तान से पहला राजदूत मानते हैं। 1962 में चीन ने भारत के साथ जंग छेड़ दी। 18 नवंबर 1962, 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी मेजर शैतान सिंह के नीचे 120 सिपाही और सब के सब अहिरवाल से। जब चीनियों ने हमला किया तो इन 120 जवानों ने चीनियों के 1300 सिपाहियों को मार गिराया। 115 शहीद हुए। मगर सबसे बहादुरी की बात सुनिए कि जब उनके शव बरामद करने गए तो ठंड की वजह से जमे हुए उनके शरीर उसी पोजीशन में पाए गए। किसी के हाथ में बंदूक तो किसी के हाथ में बम। मरते दम तक उन्होंने लड़ाई नहीं छोड़ी। चीनियों ने भी उसी जगह पर उल्टी बंदूक गाड़कर हिंदुस्तानियों का हेलमेट डालकर इन वीरों को सल्यूट किया था। आज भी पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में, हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा फौज में शामिल होते हैं और बहुतों ने
अपनी जान इस देश की सुरक्षा के लिए गवाई। कुछों ने 71 के युद्ध में और बहुतों ने कारगिल में। आज भी अरुणाचल प्रदेश हो या सिक्किम या कश्मीर का बॉर्डर हो, हमारे लोग वहाँ पे अपना देश सुरक्षित रखने में लगे हुए हैं। इन सभी लोगों को जो वीरगति प्राप्त हुए हैं, उनको हम सब श्रद्धांजलि देते हैं। जैसा मैंने आप सभी को कहा, ये धरती वीरों की धरती है, बलिदान की धरती है, बहादुरों की धरती है। इसमें मेरा परिवार भी एक छोटे से पैमाने में शामिल है। राव तुलाराम जी का नाम तो आज आप सभी जानते हैं। मेरे दादाजी राव वीरेंद्र सिंह जी भी आर्मी में कप्तान थे। देश और प्रदेश की लड़ाई लड़ने में वो कभी नहीं चूके। आज भी अगर हमारे हित की लड़ाई, हमारे हित की आवाज कोई उठती है और शेर की दहाड़ जैसी गूंजती है, तो वो आवाज है राव इंद्र सिंह, इंद्रजीत सिंह जी की। नाम मैं बहुत कम लेती हूँ। आज किसी से भी पूछ लो, कठिन से कठिन परिस्थिति भी हो, राव साहब अपना कदम पीछे कभी नहीं लेते। सच और ईमानदारी से अपना सभी कर्तव्य निभाते हैं। अपने क्षेत्र की आवाज उठाते हैं। इसीलिए आप सभी के दिल में बसे हुए हैं राव साहब। राव साहब के प्रति आप सभी का स्नेह देखकर आज के दिन विरोधी दल के सीने में जैसे आग सी लग गई है। मेंढकों की तरह उछल उछल के मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। वो सोचते हैं कि जैसे उनकी पीठ बांस की बनी हुई है, सो राव साहब की भी होगी। मगर ये नहीं समझते कि राव इंद्रजीत सिंह जी की रीढ़ की हड्डी आप सभी लोगों की वजह से फौलाद की बनी है। हवा के झोंके से वो अपना रास्ता बदल सकते हैं, मगर राव साहब हमेशा सही और सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। सच तो सामने आएगा ही, मगर मैं ये पूछना चाहती हूं विरोधियों से कि आज तो आपको और भी डर लग गया होगा। ये भीड़ जो आप सभी लोगों ने जुटाई है, उसको देखकर तो विरोधी कांप गए होंगे। मगर मैं ये कहना चाहती हूं, अभी विरोधियों अपने दिल को काबू में रखो, लड़ाई अभी बाकी है। मैं आज आप सभी से ये कहना चाहती हूं कि अगर भगवान का आशीर्वाद रहा और आप सभी का साथ रहा, तो मैं इलेक्शन जरूर खेलूंगी। कहां और कैसे ये वक्त बताएगा। ये मेरा आप सभी से वादा है।
मुझे हवा का रुख ना पूछो, मुझे रहवा का रुख ना पूछो, वो तो बदलती रहती है। बता कौन सी राह पे चलूं, मेरे हमसफर बनोगे? अंत में मैं सभी वर्कर्स का, जिन्होंने इतनी मेहनत और मुशक्कत की है, उनका सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ और आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी तादाद पे आप सभी यहाँ आए और मेरा भाषण सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।